जाए इत्थों वीरा, मेरा दिमाग ना खराब कर। ए दिमाग क्यों होंदा मोटी चाय जी? वीरा, दिमाग वो होता है जो तू मोटी चाय जी का सुबह सुबह खा जाती है। अच्छा, वो जो हरा हरा सा पतला पतला सा रोटी पे लगा के खाते है, उसे दिमाग कहते है? नहीं वीरा, वो तो चटनी होती है। दिमाग वो होता है जो तुम लोग जाते हो यहाँ से या मेरे को किसी से भी गल नहीं करनी। वीरा, मोटी चाय जी हमसे बहुत नाराज है। हमें चाय जी से बिना बात किए स्कूल जाना पड़ेगा। चल वीरा। मेरी गल सुन, खूब 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 दिल लगा कर पढ़ना, समझी? दिल, ए दिल क्यों अंदर मोटी चाय जी? दिल, ये जो तेरे अंदर धक 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 कर रहा है ना, उसको दिल कहने। ए दिल धक धक क्यों करता है? धक धक क्यों नहीं करता? हाय ओ रब्बा, कितने भेज दिया मेरे को तूने। परचाई जी, शमशेर प्राची, रणवी, ये रख। परचाई जी, ये बही खाता संभालो जी खेत के। इसमें बीज बुआई से लेकर के फसल से आई कीमतों का अभी तक का सारा लेखा जोखा है। राजी, आप ये सब मेनू क्यों दे रहे? क्योंकि तो मेनू आपके खेत बीज काम नहीं करना है। बस यही विनती करने आया सी। पर जाई जी, आपने मेरी बहुत मदद की। इतना बड़ा भरोसा किया आपने, पुलिस में देने से बचा लिया। इस गरीब की इज्जत रख ली, वरना बेटी कुंवारी रह जाती। पर मैं इस भरोसे की और परीक्षा देने की हिम्मत मेरे में नहीं है। जी कैसी गल्ला कर रहे हो? लोगों को जो समझना है समझ नहीं दो। मैंने तो आप पर पूरा भरोसा है ना। इसी भरोसे की खातिर कह रहा हूँ परजाई जी, पिंड वाले आपको मेरी वजह से दो बातें कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब हिम्मत नहीं बची कुछ करने की। मैनू माफ कर दो परजाई जी, इससे आगे मत कुछ करना, आपका मान नहीं रख पाऊंगा मैं। चलता हूँ परजाई जी, ये लो। श्री अकाल।